हेलो एवरीवन। तो आज हमारा प्लस टू फिजिक्स मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट का लेक्चर नंबर 16 बेटा, वैसे ही हमारा लास्ट लेक्चर है। देखिए चैप्टर तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में फिनिश करवा दिया था, आपने बुकलेट भी सारी सॉल्व कर ली होगी, ठीक है। आज के लेक्चर में बस मैं आपको दो बहुत मजेदार डिवाइसेस इंस्ट्रूमेंट सिखाने वाला हूं, ठीक। वन इज साइक्लोट्रॉन एंड अनदर वन इज मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। एनसीईआरटी टॉपिक्स हैं, बोर्ड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, चलो कंपटीशन में भी क्वेश्चन आ सकता है, तो मजेदार बहुत है, यू विल एंजॉय टुडेज लेक्चर। बस अभी वर्डिंग पे ध्यान नहीं देना है बिल्कुल भी, पहले समझिए फिर मैं आपको सारी वर्डिंग का मतलब समझाऊंगा। सिर्फ इस डायग्राम पर ध्यान दीजिए, आई अगेन रिक्वेस्ट, वर्डिंग पर ध्यान नहीं देना है, जो मैं बोल रहा हूं समझा रहा हूं उस पर पूरा ध्यान दीजिए। ये कुछ भी नहीं है, वेरी वेरी इजी एंड इंटरेस्टिंग। सर साइक्लोट्रॉन क्या होता है? इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू एक्सेलरेट चार्ज्ड पार्टिकल्स। चार्ज्ड पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करने के काम आता है, मतलब उनको उनकी स्पीड बढ़ाने के काम आता है। बेटा काफी हमारी लैब्स के अंदर एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जिसमें हमें हाई स्पीड चार्ज पार्टिकल्स को बम्बार्ड करवाना होता है, आपस में बम्बार्ड करवाना है या किसी चीज को हिट करवाना है। हमें ओनली चार्ज पार्टिकल नहीं चाहिए, बड़ी तेज स्पीड वाला चाहिए। तो वो तेज स्पीड कौन प्रोवाइड करेगा? साइक्लोट्रॉन एक डिवाइस है उसमें से। ये चार्ज पार्टिकल्स को स्पीड प्रोवाइड करता है, एक्सलरेट करवाता है। ओके जी, ओके। इसके अंदर क्या क्या होता है, सामान क्या है, कैसे करता है वो समझो। बेटा इट कंसिस्ट ऑफ टू डी शेप्ड चैंबर्स, दीज टू डी शेप्ड चैंबर्स। बेटा ये डायग्राम 3D में है, 3D में देखेंगे तो मजा ज्यादा आएगा। टू डी शेप चैंबर्स कैसे पड़े हैं सुनो। चैंबर्स क्या होते हैं? मेटल के बॉक्सेस हैं, अंदर से होलो एंड सेमी सर्कुलर शेप। ये इतनी विड्थ है, अंदर से होलो है, आप ऐसे समझिए, ये इतनी विड्थ, हॉरिजॉन्टल प्लेन में पड़े होते हैं एक दूसरे के पैरेलल, ये देखो ऐसे, ये और ये, अंदर से खाली है, अंदर से खोखले हैं, मेटल के बॉक्स हैं, अंदर से होलो है, सेमी सर्कुलर शेप है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में पड़े हैं, ऐसे 2D शेप चैंबर्स, समझ गए? ये मैंने ऐसे 3D में दिखाने की कोशिश की है, वैसे अरे यार हम हवा में समझेंगे सारा, इतना जबरदस्त किया चैप्टर यार, 3D में देखने की तो आदत पड़ चुकी है हमें। ये डायग्राम क्या करेगी, ये देखो हवा में सर, 2D शेप चैंबर्स लाइक दिस एंड दिस विद देयर एजेस पैरेलल टू ईच अदर, ऐसे रखे हुए हैं, और इसके साथ लगा दिया हमने एक ऑसिलेटर, ये वाला ऑसिलेटर, हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। सर इसका क्या काम है? ये इनको चार्ज देता है, जैसे इसको पॉजिटिव और इसको नेगेटिव, चार्ज देता है मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करवाता है। ओके कहां पर? इन एजेस में, ये जो गैप है ना, ये देखो, हाँ जी मैं आपकी तरफ से मतलब इस डायग्राम को देखूंगा ऐसे, ये तो D1 D2 इनके बीच में गैप है, देखो ये वाला गैप, इस गैप के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी। सर ये वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस, इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गई। यार मेटल है ना ये, मेटल मेटल, इसको पॉजिटिव चार्ज इसको नेगेटिव चार्ज, तो गैप में इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। ऑसिलेटर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, कुछ देर बाद ये पोलैरिटी बदल देगा, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर,
हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करता है अल्टरनेटिंग, कभी इधर कभी इधर। ओके, बताता हूं क्या काम आनी है चीजें। दो पार्ट्स हो गए। तीसरा, एक वर्टिकली डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड लगाई हुई है, वर्टिकली डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। ये देखिए, ये डीज ऐसे पड़ी है। ओके, ऑसिलेटर लगाया हुआ है। ओके, डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, वर्टिकली डाउन मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड। ठीक है सर, ये मैंने वर्टिकली डाउन दिखाने की कोशिश की है। डी के आर पार जा रही है, देखो डी ऐसे पड़ी थी, उसके आर पार ऐसे मैग्नेटिक फील्ड जा रही है। ओके, और जिस चार्ज को आपको एक्सलरेट करना है वो सोर्स यहां पर है, सेंटर में बिल्कुल। यहां पर एक मान लीजिए पाइप लगी हुई है, एक पाइप लगी हुई है जी, वो पाइप में से चार्ज आता है और ये साइक्लोट्रॉन उसे तेज करके बाहर फेंकता है, तो हम टारगेट पे बम्बार्ड करवा सकते हैं। आई थिंक पार्ट्स समझ आ गए। अब क्यूरियोसिटी ये हो रही है, सर कैसे पाइप में से एक चार्ज आया, हमारी ये डी शेप चैंबर्स हो गए, ठीक है सर, पाइप में से चार्ज आके देख रहा था कि क्या हो रहा है, क्या है यहां पे, वो एकदम से घूम जाएगा बड़ी तेज होके बाहर, बम्बार्ड करवा सकते हैं टारगेट पर। अब वो कैसे घूमा, कैसे फास्ट हुआ, थोड़ी सी क्यूरियोसिटी रखो, बताता हूं। सर जरा कंस्ट्रक्शन पढ़ ले जो मैंने बोली है, देखो वर्डिंग क्या मैच कर रही है। कंस्ट्रक्शन, इट कंसिस्ट ऑफ टू डी शेप्ड होलो मेटल बॉक्सेस। डी शेप्ड का मतलब है बेटा सेमी सर्कल, दिस सेमी सर्कल प्रॉपर, ये ऐसे डी सा बनाया हुआ है, एक्चुअल में प्रॉपर सेमी सर्कल है ऐसे। ओके सर, टू डी शेप्ड, अंदर से होलो है क्योंकि अंदर चार्ज ने घूमना है, मैं दिखाता हूं अभी, इतनी विड्थ है भाई तो अंदर से तो होलो है, हाथ मार सकते हो आप इसमें डी के अंदर। सर डी शेप्ड होलो मेटल का है, अगर मेटल का है याद है आपको, सुना होगा कंडक्टर्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जाती होती, इलेक्ट्रोस्टैटिक सेक्टर में कराया था, कंडक्टर्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जाती, तो इस बॉक्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ गैप में है। हर वर्ड की इंपॉर्टेंस है यार, मजा आ रहा है। डी शेप्ड मतलब सेमी सर्कुलर होलो मेटल बॉक्सेस केप्ट हॉरिजॉन्टली विद देयर एजेस पैरेलल टू ईच अदर, पहला मेन कंपोनेंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट, हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर कनेक्टेड टू देम, हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर टू प्रोवाइड अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इन द गैप बिटवीन डीज, इन डीज में जो गैप है वहां पर अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करने के लिए लगाया गया। और ये सोर्स है, सोर्स एस गिव्स चार्ज टू बी एक्सेलरेटेड, जिस चार्ज को एक्सेलरेट करना हो यहां से निकलेगा। मैग्नेटिक फील्ड की बात रह गई, मैं वो भी लिख देता हूं यहां, वर्टिकली डाउनवर्ड, समझ रहे हो ना, 3D में डीज ऐसे पड़ी है, मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है, वर्टिकल डाउन, सिंपल, वर्टिकली डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड। कॉन्सेप्ट पता क्या है सर, मैग्नेटिक फील्ड मेटल के अंदर जाती है, ये मेटल के मतलब बॉक्स के अंदर जाती है, ये मेटल का बॉक्स है। ओके, मैग्नेटिक फील्ड लगा दी, सर क्या इस बॉक्स के अंदर से जाएगी? यस सर, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर एग्जिस्ट नहीं करती होती, मैं मानता हूं। मैग्नेटिक फील्ड के बारे में कब कहा है कि मेटल के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती, कर सकती है,
यस। सो मैग्नेटिक फील्ड अंदर से जा रही है, इस डी वाले पोर्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। ओके डन सर, मुझे सारा सामान समझ आ गया क्या लगा हुआ है। साइक्लोट्रॉन क्या चीज है? चार्ज पार्टिकल को एक्सलरेट करने के काम आता है। सर करना क्यों एक्सलरेट? बिकॉज हमारी लैब में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स में हमें चार्ज पार्टिकल्स तेज चाहिए होते हैं, बॉम्बार्डमेंट करवानी होती है रिएक्शंस करवाने के लिए। मैं ज्यादा डीप में नहीं जाता, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस वगैरह में हमें चाहिए चाहिए ये। खैर छोड़ो सर, एक्सलरेट करने के काम आएगा। लगा क्या हुआ है देख लीजिए, टू डी शेप चैम्बर्स, वर्टिकली डाउन मैग्नेटिक फील्ड, यहां पर ऑसिलेटर विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इन द गैप ओनली। इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट इन द गैप ओनली, नॉट इन द डीज, नॉट इन साइड द बॉक्स। इन साइड द बॉक्स ओनली मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट। ओके डन सर, समझ आ गया कंस्ट्रक्शन को। अब वर्किंग करें, क्यूरियोसिटी बहुत ऊपर पहुंच चुकी है आपकी, कैसे होगा काम? बहुत आसान है, ध्यान से सुनियो, 3 या 4 मिनट में समझ आ जाएगा, भूलोगे नहीं कभी फिर। सर जी स्टार्ट, ये दो डी शेप चैंबर्स है, उस पाइप में से यहां चार्ज आया, आके देख रहा है क्या हो रहा है, क्या हो रहा है भाई यहां पे आया। मान लो उस पर पॉजिटिव चार्ज है, और मान लो उस वक्त ये जो पोलैरिटी है ऐसी है, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, जैसे बनाई हुई है मैंने, सिंपल केस सर ऐसे है। तो जब वो पॉजिटिव चार्ज आया, दिस पॉजिटिव चार्ज विल बी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, दिस इस एज पर जो नेगेटिव होगा, यहां नेगेटिव 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 नेगेटिव। सर ये पॉजिटिव चार्ज ने देखा नेगेटिव चार्ज, सर ये अट्रैक्ट हो गया। ओके यहां एक एज है बॉक्स का, ऐसे इतना विड्थ वाला, ऐसे उस पर नेगेटिव पोलैरिटी है, ये चार्ज आया, इसने देखा अरे नेगेटिव चार्ज अट्रैक्शन, इधर पॉजिटिव से रिपल्शन, इधर नेगेटिव से अट्रैक्शन, गया जी अंदर बॉक्स के अंदर सीधा। जब बॉक्स के अंदर गया, कुछ स्पीड से एंटर किया होगा, कुछ स्पीड आगे होगी ना, एक्सलरेट हुआ है वो, स्पीड से एंटर किया होगा, अंदर जाके देखा इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, अब अंदर जाकर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ओनली मैग्नेटिक फील्ड है। बेसिकली ये बन गया अ चार्ज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड, डी के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, चार्ज आ गया, समझ आ रहा है? मैं इस डायग्राम में जितने मर्जी रंग भर दूं, जितनी मर्जी ब्यूटिफिकेशन कर दूं, जो यहां डायग्राम बन रही है उतना दम कभी नहीं आएगा, इसमें है सारा। थर्ड डायमेंशन की रिक्वायरमेंट है तो है यार, देख ध्यान से दिखा दूंगा यहां पर, ध्यान रख बस। सर ये चैंबर है, ओके चार्ज एंटर किया, अंदर आकर इलेक्ट्रिक फील्ड तो है नहीं, ओनली मैग्नेटिक फील्ड है, सो इट इज अ चार्ज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स एक्स ऑन इट, फोर्स निकालने के लिए लेफ्ट हैंड रूल, और देख रहे हो परपेंडिकुलर एंटर कर रहा है, वेलोसिटी इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है, बेसिकली एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस वाली बात हो गई, तो सर्कुलर पाथ। सर्कल बनाने के लिए याद है फोर्स देख लिया करो, जिस तरफ फोर्स आएगी उस तरफ सेंटर होगा, क्योंकि ये सेंट्रीपिटल सब कराया हुआ आपको, देखा इसके अंदर चार्ज आया, यहां पे चार्ज आया और मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड लगी हुई है, सर फोर्स लगेगी, फोर्स की डायरेक्शन के लिए लेफ्ट हैंड रूल, इशारा करो मैग्नेटिक फील्ड नीचे है सर, इशारा नीचे, फिंगर्स खोल लो,
ये वेलोसिटी की तरफ करना है, ऑलरेडी है देखो वेलोसिटी इधर ही थी, फोर्स अपवर्ड आ गई, मतलब चार्ज आया उस पे फोर्स इधर को लग जाएगी, चार्ज आया फोर्स इधर, सर ये घूम गया ऐसे, ये घूम गया ऐसे सर, आई होप समझ आ गया। चार्ज एंटर किया, बहुत टॉपिक कराया हुआ है ये तो मैंने, कॉमन बात है यार, चार्ज एंटर किया इन द मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज एंटर किया सर घूम गया, परपेंडिकुलर एंटर कर रहा है सो सर्कुलर पाथ, यस सर घूमकर इधर आ गया, हां स्पीड नहीं बदली उतनी स्पीड से बाहर, जितनी स्पीड से एंटर किया था उतनी ही स्पीड से बाहर, मैग्नेटिक फील्ड उसको सिर्फ घुमा रही है, स्पीड स्पीड तो चेंज कर ही नहीं सकती मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ उसे घुमाती है, डायरेक्शन चेंज करती है, सर घुमा दिया, चार्ज ने देखा नेगेटिव तो भागा, एंटर कर गया अंदर, ओनली मैग्नेटिक फील्ड है, उसने घुमा दिया, सर ऊपर कोई क्यों घुमाया है, नीचे को क्यों नहीं घुमाया, बिकॉज फोर्स की डायरेक्शन ऐसे आई थी, मैग्नेटिक फील्ड नीचे वेलोसिटी उधर, फोर्स आ गई थी इधर, तो ये गया फोर्स लग गई इधर, ये ऐसे घूम गया सर, सेमी सर्कुलर पाथ फॉलो करके जब यहां पहुंचा, जितने टाइम में यहां पहुंचा उतने टाइम में इस ऑसिलेटर ने पोलैरिटी बदल दी, बस यही गेम है, पोलैरिटी बदल दी, मतलब यहां पॉजिटिव कर दिया यहां नेगेटिव कर दिया, तो जब ये यहां पहुंचा बेटा, जब ये यहां पहुंचा इसको क्या नजर आया, सामने नेगेटिव, सामने नेगेटिव, सो अगेन इट गॉट अट्रैक्टेड, मान ले 10 की स्पीड से एंटर किया था, 10 से एंटर किया घूमकर 10, अब यहां फिर नेगेटिव है, वो खिंच गया, फोर्स लग गई खिंच गया, स्पीड बढ़ गई सर, 10 से हो गई मान लो 20, स्पीड बढ़ गई V1 हो गई सर, समझ आ रहा है, यहां से घूम के पहुंचा, क्या देखता है वो नेगेटिव है, फिर अट्रैक्शन हो गई, स्पीड बढ़ गई, सर एंटर कर गया उसमें, एंटर करके फिर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, अंदर स्पीड नहीं बढ़ेगी, अंदर ओनली मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड उसे फिर घुमा देगी, सर कैसा घुमाएगी डायरेक्शन देखे, देखते हैं यार मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड इशारा कर दिया, पार्टिकल की वेलोसिटी उधर को है, उधर को, और मेरी उंगलियां टूटेगी आज, समझ आ रहा है, आप खड़े होके करके देख लेना इसको यार, मैं अगर ऐसे करूंगा फिर दिख जाएगा लोगों, ठीक है दिख गया, मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है, जब पार्टिकल एंटर किया वेलोसिटी इस तरफ है, फोर्स किधर को आ गई इधर को, मतलब चार्ज एंटर किया फोर्स लग गई इधर को, ये ऐसे मुड़ जाएगा लाइक दिस, यस सर, जितनी स्पीड से एंटर किया उतने से घूम के आएगा, ऑब्वियसली अंदर स्पीड नहीं बदलती, अंदर स्पीड सेम रहती है सर, V1 घूम के वापस आया सर, आपने सर्कल बड़ा क्यों कर दिया, पहले छोटा था बड़ा क्यों कर दिया, याद कर रेडियस क्या होता था, MV/QB, चार्ज सेम है मास सेम है फील्ड सेम है, ज्यादा स्पीड से एंटर करेगा तो बड़ा रेडियस सर, यहां से यहां 10 से 20 हो गई स्पीड, स्पीड बढ़ गई तो रेडियस भी बढ़ गया, सर्कल बड़ा हो गया, क्लियर, ओके सर घूमकर आया, आके क्या देखता है, पोलैरिटी बदली हुई है फिर से, जितने में ये घूमकर आया, जितने में ये घूमकर आया
उतरे में इस ऑसिलेटर ने पोलैरिटी फिर बदल दी, फिर क्या देखता है, सामने नेगेटिव इधर पॉजिटिव, नेगेटिव देखते ही एक्सेलरेटेड, मतलब इस गैप में, अंदर की बात बता रहा हूं, इस गैप में स्पीड बढ़ती है, डी के अंदर तो खाली वो घूमता है, फिर स्पीड बढ़ती है, खाली घूमता है, फिर बढ़ती है, ऐसे चल रहा है। स्पीड 10 से एंटर किया, 10 से ही बाहर, यहां से यहां जाने तक 20 हो गई, फिर 20 से ही बाहर, फिर यहां से यहां जाने में 30 हो गई। मैं नाम बदली जा रहा हूं V2, सर 30 हो गई, और बड़ा सर्कल, फिर और बड़ा सर्कल, ओहो खराब कर दिया डायग्राम, मैं एक्साइटेड हो गया था थोड़ा सा, समझ आ रहा है ना, फिर और बड़ा सर्कल एंड सो ऑन। सर हमें जहां से भी निकलवाना होता है वहां पे विंडो लगाई होती है एक, उस विंडो से निकाल लेते हैं, मैंने तो थोड़े सर्कल दिखाए, एक आधा और दिखा दो चाहे, सर हमारे कंट्रोल में होता है वो, उसका भी एक मैकेनिज्म है, मतलब हमने उस मुताबिक विंडो लगाई होती है कि यहां से बाहर निकलवाना है जी, तो घूमता है घूमता है। अच्छा एक डाउट बनता है बस, अब मैं पर्सनली जो मानता हूं कि साइक्लोट्रॉन इस पर बेस्ड है, सर इस ऑसिलेटर को कैसे पता कि इतने टाइम में ही आएगा, सर टाइम बदल नहीं जाएगा, जैसे पहली बार तो 4 सेकंड में आ गया, अगली बार 8 में नहीं आएगा, टाइम डो नॉट डिपेंड ऑन स्पीड, टाइम डो नॉट डिपेंड ऑन रेडियस, याद करो हाफ सर्कल का टाइम क्या होता था, एक पार्टिकल एंटर किया, हाफ सर्कल घूम के आ गया, कितने टाइम में आ जाता है, पाई एम बाय क्यू बी, कराया हुआ यार पूरे सर्कल का टाइम। सर मान लो एक पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है, पढ़ाया था टॉपिक, सर पूरे सर्कल का टाइम होता है 2 पाई एम बाय क्यू बी, अगर आधे सर्कल का टाइम पूछे पाई एम बाय क्यू बी, देखो मास वही है, चार्ज वही है, फील्ड वही है, स्पीड पे फर्क पड़ा, सर स्पीड बढ़ गई तो साइज भी तो बड़ा हो गया, टाइम उतना ही लगेगा, ये मान लो 2 सेकंड में बाहर आ रहा है, यहां पर एंटर किया 2 सेकंड में बाहर, यस आगे भी, यहां भी 2 सेकंड में बाहर, 2 सेकंड में बाहर, 2 सेकंड में बाहर, तो ये हर 2 सेकंड बाद पोलैरिटी पलट रहा है, मैंने फिक्स कर दिया इसको बितूना, हर 2 सेकंड में पोलैरिटी बदल दिया कर, तो जब भी चार्ज पहुंचेगा उसको नेगेटिव नजर आएगा, एक्सेलरेट हो जाएगा। सर ये भी समझ आ गया ना, जब इधर जाएगा तो ऐसे फोर्स लगी, जब ऐसे जा रहा है तो ऊपर को फोर्स लगी, वो आपको समझ आ गया है, जब इधर एंटर करता है, ये देखो जब इधर एंटर करता है वेलोसिटी इधर है तो फोर्स अप हो गई, मतलब ऐसे, जब उधर करता है मैग्नेटिक फील्ड नीचे, वेलोसिटी इधर, फोर्स इधर को हो गई, मतलब ऐसे, फिर उधर ऐसे, फिर इधर ऐसे, घूमे जा रहा है घूमे जा रहा है, एवरी टाइम इट क्रॉसेस दिस गैप, प्लीज फील इट, एवरी टाइम इट क्रॉसेस दिस गैप स्पीड इंक्रीज, इट्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, इट गेन्स मोमेंटम, इट गेन्स एनर्जी, इसमें और दम आ गया, डी के अंदर तो वो मजे कर रहा है, इस गैप में स्पीड बढ़ी, डी के अंदर तो खाली घूम के इधर, फिर स्पीड बढ़ी, फिर घूम के इधर, फिर बढ़ी, एंड सो ऑन, आइडिया हुआ। जब से लेक्चर शुरू हुआ अपनी कक्षा भी नहीं लिखा है, ना ही लिखना है, सिर्फ समझना है, जितना बोल रहा हूं सारा लिखूंगा, फिर आप उतार सकते हो।
कौन कौन से कंपटीशन के क्वेश्चन बनते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए भी हुए हैं इसके, बताता हूं। फिजिकल पार्ट इज क्लियर, जितना बोला एक बार दो बार आपको समझ आ गया। अब जरा वर्किंग लिखी हुई है जो मैंने, उसके साथ फिर टैली करवाता हूं, थोड़ा पकड़ना। ये देखिए वर्किंग, समझा तो दी, दोबारा से एक बार लिखे हुए वर्डिंग के साथ टैली करते हैं। वर्किंग, लेट पॉजिटिव चार्ज रिलीज्ड, यहां पर पाइप में से पॉजिटिव चार्ज आके देख रहा हो, ये क्या हो रहा है, कौन सी मूवी चल रही है बताओ यार। रिलीज्ड एंड डी वन इज पॉजिटिव, डी टू इज नेगेटिव इनिशियली, पॉजिटिव नेगेटिव इनिशियली, चार्ज एक्सेलरेटेड टुवर्ड्स डी टू, चार्ज एक्सेलरेट हो गया एंड एंटर्स डी टू विद अ स्पीड, एक स्पीड से एंटर कर गया। नाउ इनसाइड डी टू ओनली मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट, इसके अंदर ओनली मैग्नेटिक फील्ड ही प्रेजेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि कंडक्टर्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, पड़ा हुआ है, कंडक्टर के अंदर एंटर नहीं करती फील्ड, सरफेस भी खत्म हो जाती होती है। अच्छा, ओनली मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट, सो पार्टिकल फॉलो सर्कुलर पाथ, वो आप समझ गए, एंटर किया, मैग्नेटिक फील्ड थी, परपेंडिकुलर थी, सर्कुलर पाथ, घूम गया सर। सो पार्टिकल फॉलो सर्कुलर पाथ एंड कम्स आउट विद सेम स्पीड, कम्स आउट विद सेम स्पीड, क्या बात है, सेम स्पीड से बाहर आ गया, मैग्नेटिक फील्ड उसे तेज या स्लो नहीं करती है। ओके, इतने में सारी वर्डिंग में एक ही वर्ड हिंदी में लिखा है, और आपको पता है हिंदी में सबसे इंपॉर्टेंट बातें लिखता हूं, तो इस सारे कॉन्सेप्ट की सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इतने में, इतने में, एंड दिस इतने में इज फिक्स, इज कॉन्स्टेंट, दैट इज द रूट ऑफ साइक्लोट्रॉन। अगर ये फिक्स ना होता तो साइक्लोट्रॉन नाम का डिवाइस बन ही ना पाता, क्योंकि ऑसिलेटर बार बार टाइम बदल नहीं सकता, बड़ी टफ सिचुएशन है वो। सर ये टाइम फिक्स होना ही खासियत है। ओके, इतने में पोलैरिटी बदल गई, जितने में यहां पहुंचा पोलैरिटी बदल गई, अगेन एक्सेलरेटेड, सो अगेन गॉट एक्सेलरेटेड इन गैप, अगेन गॉट एक्सेलरेटेड इन गैप, मैं यहां तक पहुंचा हूं, आगे लिखूंगा, कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना, जो लिखूंगा क्लास नोट्स ऐसे बन जाएंगे, चाहे बोर्ड है चाहे कंपटीशन है, आपका कोई क्वेश्चन रहेगा ही नहीं, कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस टॉपिक को फिर। ठीक है, मैं आगे लिखता हूं, मेरे को स्पेस चाहिए, और आप वीडियो पॉज करके ये सारा नोट करो, उसके बाद ये नोट करो, इसके आगे का पार्ट में लिखूंगा, वीडियो पॉज कीजिए, डायग्राम ध्यान से बनाना, असली डायग्राम तो ये है, ये उसको प्रेजेंट करने का टेक्निक है। ओके, वीडियो पॉज करके बेटा नोट कीजिए, आगे चलते हैं। हाँ जी बेटा, तो कॉन्सेप्ट तो सारा बना हुआ है, रिवाइज हो रहा है लिखते वक्त। ये देखिए आप कहां पहुंच गए थे, कि यहां से घूमकर वापस आ गया, इतने में पोलैरिटी बदल गई, सो गॉट एक्सेलरेटेड अगेन एंड एंटर्स इट विद मोर स्पीड, यस ये देखिए, सो पार्टिकल एंटर्स इन डी वन विद मोर स्पीड। ओके, अच्छा डी वन के अंदर जाके क्या हुआ, डी वन के अंदर जाके फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड तो है नहीं, खाली मैग्नेटिक फील्ड है, उसने घुमा दिया, ऐसी क्यों घुमाया, दिखाया मैंने डायरेक्शन से, डी वन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड ने फिर घुमा दिया, एज शोन, एज शोन फोर्स के थ्रू, एज शोन। ओके सर, यहां पे पहुंचा, अगेन फॉलो सर्कुलर पाथ ऑफ बिगर रेडियस, जैसे यहां पे था सर्कुलर पाथ, वहां पे भी सर्कुलर पाथ ऑफ बिगर रेडियस, वाई बिगर रेडियस, ये देखो वी बढ़ चुका है,
यहां 10 था वहां 20 हो चुका है, बिगर रेडियस एंड कम आउट इन सेम टाइम। अरे वाह 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 वाह, ये असली बात, सेम टाइम में वापस, बिकॉज टाइम ये होता है स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है, टाइम स्पीड पे डिपेंड नहीं करता, तेज एंटर करे चाहे स्लो एंटर करे उतने में वापस। अगेन इतने में पोलैरिटी बदल गई, जितने में घूम के आया पोलैरिटी बदल गई, अगेन गॉट एक्सेलरेटेड इन गैप एंड सो ऑन। तो ये काम कहते चलता रहता है, एक्सेलरेट हुआ घूम गया, एक्सेलरेट हुआ घूम गया, सर स्पीड बढ़ती जा रही है, जब हमें लगता है ऑप्टिमम स्पीड हो गई, एक्चुअली एक विंडो भी नहीं है, बहुत सारी विंडोज होती है, यहां विंडो 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 मैकेनिज्म होता है। तो अब जब हमें लगता है ऑप्टिमम स्पीड आ गई, हम विंडो के थ्रू बाहर निकलवा लेते हैं और इस टारगेट पर बॉम्बार्ड करवा सकते हैं। क्लियर? अच्छा, असली हिडन बात यह हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड स्पीड बढ़ा रही है इन दिस गैप, इस छोटू से गैप में स्पीड बढ़ रही है, एवरी टाइम स्पीड बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्पीड बढ़ा रही है इन द गैप, मैग्नेटिक फील्ड ओनली घुमा रही है, मैग्नेटिक फील्ड तो खाली घुमा रही है बस, और कुछ नहीं कर रही, डी के अंदर घुमाया चल बढ़ गई, घुमाया चल बढ़ गई, एंड सो। लो जी, वर्किंग क्लियर? अब इसके कॉम्पिटिशन के क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं मैं वो बताता हूं, वीडियो रोककर ये नोट कीजिए। हाँ जी बेटा, ये कॉमन क्वेश्चंस हैं, छोटे छोटे एनसीईआरटी है सारा, ये भी कॉम्पिटिशन में भी आते हैं, बोर्ड्स में भी आपको लिखकर आना चाहिए अगर टॉपिक आ जाए, समझना। पहला होता है कि ठीक है यार हमारे पास साइक्लोट्रॉन है, ये स्पीड बढ़ाता है, मैक्सिमम कितनी स्पीड बढ़ाई जा सकती है, मैक्सिमम कितनी स्पीड अटेन करवाई जा सकती है, तो वो ऐसे निकलेगा बेटा आपके सामने। रेडियस क्या होता है, सर्कुलर पाथ का रेडियस क्या होता है, एमवी बाय क्यूबी, तो वी कितना आ गया यहां से, क्यूबी आर बाय एम, तो मैक्सिमम स्पीड के लिए आर मैक्सिमम इस्तेमाल कर लेंगे हम, मतलब जितनी बड़ी डी की शेप है सारी की सारी यूज कर लेंगे, ये इतना बड़ा गोल चक्कर कटवा लेंगे इसका, उसके बाद तो रोकना ही पड़ेगा ना। तो जितना डी का शेप बड़ा होगा उतना ज्यादा स्पीड अटेन करवा सकते हैं हम, यस सर, या जितनी भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लगाई है आपने उस पर डिपेंड करता है, क्या हुआ हम तो चलो फिक्स है, बेसिकली बेटा आर पे आ जाती है बात, भी कितना बड़ा डी का शेप लिया है उतना ज्यादा स्पीड आप अटेन करवा सकते हो। ओके सर, अगर कभी पूछ ले एक साइक्लोट्रॉन से मैक्सिमम कितनी स्पीड अटेन करवाई जा सकती है, मैक्सिमम साइज के हिसाब से करवाई जा सकती है, वही फॉर्मूले में वी निकाल लिया बस। अच्छा, मैक्सिमम कितनी काइनेटिक एनर्जी करवाई जा सकती है, हाफ एम वी स्क्वायर, इसी के थ्रू हाफ एम वी स्क्वायर, इतनी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी करवाई जा सकती है। सर ये सबसे ज्यादा आता है कंपटीशन में, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर कितना है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है बेटा, फ्रीक्वेंसी होता है वन अपॉन टाइम पीरियड, वन अपॉन टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड क्या होता है, सर्कुलेशन का टाइम कितना होता है, एक सर्कुलेशन का टू पाई एम बाय क्यू बी, टू पाई एम बाय क्यू बी, यस सर, ये फ्रीक्वेंसी। एक इंटेलिजेंट बच्चे के मन में डाउट आ रहा होगा, सर लेकिन ये तो हाफ टाइम के बाद ही पोलैरिटी बदल देता है, ये तो हाफ सर्कल पे ही पोलैरिटी बदल देता है, तो टाइम पीरियड आप हाफ वाला ही लो, फुल क्यों ले रहे हो, क्योंकि टाइम पीरियड किसे बोलते हैं, पेंडुलम के बारे में याद करो, एक पेंडुलम को साइड पे ले आके छोड़ा, गया वापिस वहीं पे आना, उसे बोलते कंप्लीट ऑसिलेशन, दिस इज कंप्लीट। अब सुन, शुरू में ऐसा सीन था, आधे सर्कल के बाद ऐसा हो गया, पोलैरिटी बदल गई, फिर अगले आधे के बाद ऐसा हो गया, यानी आधे आधे दो बार कवर करने पड़े ना, तब जाकर इनिशियल सिचुएशन आई है ना, समझे,
हाँ हर आधे के बाद बदलता है, दोबारा ओरिजिनल होने के लिए दो बार बदलना पड़ेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव फिर पॉजिटिव, तो दो बार छोटा टी मिलकर कितना हो गया बड़ा टी। बी केयरफुल भाई। तो मतलब यार जो पार्टिकल का टाइम पीरियड है नॉर्मल हम पढ़ते थे वही टाइम पीरियड साइक्लोट्रॉन में काम आएगा, आधा नहीं लेना। ओके ये हो गया सर, एंड ये कॉमन सेंस है, ये भी कंपटीशन में बहुत आता है। एवरी टाइम चार्ज क्रॉसेस गैप काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज बाय क्यूबी। एवरी टाइम जब ये चार्ज इस गैप को क्रॉस करेगा, क्रॉस एवरी टाइम दिस चार्ज विल क्रॉस दिस गैप, गैप क्रॉस करना इज लाइक पोटेंशियल डिफरेंस में मूव करना चार्ज का। क्यों चार्ज बेटा देखो डीज है यार, पॉजिटिव नेगेटिव, देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस। एक चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस में जाता है तो कितना वर्क होता है, कितनी एनर्जी गेन होती है, पता ही है क्यों भी वही लिखा है हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किया था क्यों भी। एवरी टाइम चार्ज क्रॉसिस गैप मतलब इतना पोटेंशियल डिफरेंस क्रॉस किया उसने तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज बाय क्यू वी हो जाएगा। ये दो कंपटीशन में बहुत ज्यादा आते हैं, वैसे सारा एनसीईआरटी है, इंपॉर्टेंट है। वीडियो पॉज करो, नोट करो, आगे चलते एक छोटी सी बात और बताता हूं। हाँ जी बेटा लास्ट पॉइंट साइक्लोट्रॉन करके, खैर काफी मजा आया, सारे कंपटीशन के फंडे बता दिए आपको क्या आने हैं। एक लिमिटेशन होती है वो भी समझ लीजिए, बोर्ड्स में पूछ लेता है, आना चाहिए आपको। व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ साइक्लोट्रॉन बेटा? लाइट पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट बी एक्सेलरेटेड यूजिंग साइक्लोट्रॉन। जो हल्के पार्टिकल होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, अगर आपको इलेक्ट्रॉन रख दें वो एक्सेलरेट हो जाएगा, नहीं होगा, मतलब होगा लेकिन इतना ज्यादा एनर्जी नहीं दे सकेंगे हम उसको। कारण समझो, लाइट पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स, लाइट पार्टिकल मतलब जिनका मास कम होता है, मास वेरी लेस। ओके सर, जिनका मास कम होता है दे कैन नॉट बी एक्सेलरेटेड यूजिंग साइक्लोट्रॉन बिकॉज अ वेरी स्मॉल इंक्रीज इन एनर्जी मेक्स इलेक्ट्रॉन्स टू मूव विद वेरी हाई स्पीड। बेटा काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर, मास तो कुछ है नहीं इसका, मास तो नेग्लिजिबल सा है, हम थोड़ी सी एनर्जी बढ़ाएंगे स्पीड बहुत बढ़ जानी है, तो स्पीड बढ़ने से क्या होएगा देखो। याद है रिलेटिविटी थ्योरी, मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बताया था मास वेरीज विद स्पीड, चार्ज डू नॉट वेरी विद स्पीड, मास वेरी विद स्पीड रिलेटिविटी थ्योरी कहती है। तो बेटा अगर स्पीड बढ़ेगी, ये देखिए स्पीड बढ़ेगी तो उसका मास बढ़ जाएगा, और अगर मास बढ़ गया तो याद है उसका घूमने का टाइम क्या था, घूमने में कितना टाइम लगता था, इतना पाई एम बाय क्यू बी। तो अगर मास बढ़ गया तो टाइम बढ़ गया, मतलब इसको घूमकर आने में ज्यादा टाइम लगेगा। फिर मास बढ़ गया सर तो टाइम ज्यादा लगेगा, इट टेक्स मोर टाइम टू कम आउट ऑफ डी सो इट विल गो आउट ऑफ स्टेप फ्रॉम ऑसिलेटर। मतलब हल्का सा पार्टिकल रख दिया, ठीक है वो एक्सेलरेट हो गया, स्पीड बढ़ गई, थोड़ी सी अभी एनर्जी बढ़ी थी, स्पीड बहुत तेज हो गई है। सोचो ना यार, हल्का सा है, भाग गई फिर रहा है, तो बड़ी तेज स्पीड आ गई सर, हल्की सी एनर्जी बढ़ाई है अभी, ज्यादा एनर्जी नहीं दे पाए हम सर, स्पीड बहुत बढ़ गई है, स्पीड बढ़ने से मास बढ़ गया, स्पीड बढ़ने से मास बढ़ गया तो उसका घूमने का टाइम बदल गया। हमने इसको फिट किया था 10 सेकंड, ये 10 सेकंड में बाहर, 10 सेकंड में, 10 सेकंड में होता था। ओके सर 10 सेकंड में आना चाहिए था, लेकिन इसको लगने लगे 12 सेकंड, वो पोलैरिटी बदल देता है 10 सेकंड बाद ही, लेकिन इसको वक्त लग रहा है 12 सेकंड,
काम खराब हो गया, सिंक्रोनी खराब हो गई। ये दस ये दस ये दस ये दस होना चाहिए मेंटेनेंस के लिए, इसको 12 लग गए, ये 10 के बाद ही बदल गया। मतलब बाहर पहुंचने तक उधर नेगेटिव की जगह उसे पॉजिटिव मिलना शुरू हो जाएगा, रिटार्डेशन शुरू हो जाएगी। इसलिए शायद आप सोचो सर हमें स्पीड ही देनी थी, दे तो दी। सर हमें स्पीड ही देनी थी, आप कह रहे हो इतनी तेज स्पीड आ गई, तो फिर हो गया सर, और क्या चाहते हो। हमें खाली स्पीड नहीं, हमें एनर्जी चाहिए होती है, एनर्जी उसमें बम्बार्डमेंट के लिए एनर्जी चाहिए ताकि वो वर्क कर सके। वो एनर्जी हम ज्यादा नहीं दे पाएंगे, थोड़ी सी एनर्जी देने से बहुत तेज स्पीड हो गई, हल्का था ना बेचारा। इसलिए वैसे एक लिमिटेशन बोल देते हैं और कुछ नहीं। अच्छा दूसरा तो है ही न्यूट्रल पार्टिकल्स, ऑब्वियसली न्यूट्रल पार्टिकल्स कैन नॉट बी एक्सेलरेटेड। वीडियो रोको, नोट करो, ये था सारा साइक्लोट्रॉन। अब करते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, वो छोटा सा डिवाइस है। वीडियो रोक कर ये नोट कर लीजिए। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट डिवाइस करते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ये बहुत ही ज्यादा आसान डिवाइस, अगेन वर्डिंग में मत चाहिए, समझिए मेरी बात को, बहुत ही ज्यादा सीधा सा इजी सा काम है। सर मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या करता है? बेटा स्मॉल करेंट्स, छोटे मोटे करेंट्स को डिटेक्ट करने में एंड मेजर करने में हेल्प करता है। ओके, अ डिवाइस यूज्ड टू डिटेक्ट एंड मेजर स्मॉल करेंट्स। ओके सर, ये किस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है? व्हाट इज इट्स वर्किंग प्रिंसिपल? ये भी कॉम्पिटिशन में बोर्ड्स में आता रहता है, व्हाट इज वर्किंग प्रिंसिपल। हमारी लास्ट क्लास वाला टॉपिक, व्हेन अ करंट कैरिंग कॉइल इज केप्ट इन अ मैग्नेटिक फील्ड, टॉर्क एक्ट्स ऑन इट। मान लीजिए ये कॉइल पड़ी हो, ये कॉइल पड़ी हो, इसमें ऐसे करंट जा रहा हो, हाँ ठीक है, ऐसे करंट मैंने, ठीक है ऐसे ही है सर, इसमें ऐसे करंट जा रहा हो तो इसकी डाइपोल मोमेंट इस तरफ हो जाती है। ओके, व्हेन अ करंट कैरिंग कॉइल इज केप्ट इन अ मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड इस पर टॉर्क लगाएगी, यानी ये कॉइल घूमेगी। सर इसी पर बेस्ड है, इसका प्रिंसिपल है अ करंट कैरिंग कॉइल केप्ट इन मैग्नेटिक फील्ड, टॉर्क एक्ट्स ऑन इट। हमारा टॉर्क वाला टॉपिक उस पर बेस्ड है ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। सर क्या कुछ लगा हुआ है इसके अंदर वो देखो, कंस्ट्रक्शन ध्यान से देखिए। सर ये एक वुडन बॉक्स है मान लीजिए, बहुत ध्यान से समझना। सर ये वुडन बॉक्स है एक, ये वाला जिसके अंदर सारा सामान लगाया मैंने, वुडन बॉक्स। इसके अंदर सर सबसे मेन हमने एक टर्मिनल लगा दिया एक, यहां से जब मैंने ड्राइंग की थी ये डायग्राम बनाई अभी, तो यहां से शुरू करता हूं मैं। ये बॉक्स बनाया वुडन बॉक्स, उसके बाद यहां से शुरू। सर ये एक वायर गई ऐसे, उसके बाद ये कॉइल है हमारी मेन कॉइल, यस ये कॉइल घूमकर स्प्रिंग के थ्रू होकर ये स्ट्रिप है, वैसे ही फिक्स करने के लिए स्क्रू लगाए हुए हैं यार, स्क्रू 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 स्क्रू, ये नीचे बेस रखने के लिए टेबल पे, तो ये स्क्रू है यहां फिट हो जाता है। ध्यान से समझ लीजिए डायग्राम, यहां से शुरू होकर ऐसे 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 कॉइल जा रही है, ये स्प्रिंग के थ्रू होकर यहां फिट, फिर यहां से ये वायर गई वायर गई वायर गई इस टर्मिनल पर, और इधर से भी ये टर्मिनल इधर, यस ये दो टर्मिनल है बेसिकली। अगर आप कभी लैब में देखोगे ना, गैल्वेनोमीटर के दो टर्मिनल होते हैं टॉप पर ही, वो दो टर्मिनल ये वाले हैं बेसिकली। मुझे एक वायर में करंट देखना है, मैं लैब में बैठा हूं, एक वायर में करंट है कितना है, हाथ लगा के तो देखूंगा नहीं करंट लग जाएगा, तो गैल्वेनोमीटर यूज करेंगे, उस वायर में गैल्वेनोमीटर फिट कर देंगे। वायर में करंट आ रहा है, हमने वायर को काटा, काटते नहीं होते उसके जॉइनिंग के और तरीके होते हैं, चलो एक तरह से काटा और मैंने इसको लगा दिया, मतलब वायर ये वायर है उसको काटो
एक टर्मिनल यहां लगा दो और दूसरा जो काटने के बाद दो एंड बने, एक एंड यहां लगा दो, एक एंड T2 पे लगा दो, तो क्या होगा, वो जो वायर वाला करंट है, फील इट, वो वायर वाला जो करंट है वो इसमें से होकर ऐसे, ये मैंने एरो दिखाया हुआ है, वो करंट इसमें से होकर ऐसे 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 घूम कर क्वाइल में से यहां से होके बाहर आ जाएगा। ओके, तो आपको डायग्राम में मेन पॉइंट समझ आ गया। सर मेन तो ये है, ये तो वायर्स दिखाई हुई है यार। सर ये क्वाइल होगी मेन हमारी, सारा कंडक्टिंग है, ये मेटल है। ओके अच्छा, इसके अलावा क्या क्या लगा हुआ है सर? ये मैग्नेट है बेटा, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ पोल साउथ पोल, सो दे विल क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ, और बीच में हमने एक ये सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर रखा होता है। सॉफ्ट आयरन कोर क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड को रेडियल बनाता है, मैं बताता हूं थोड़ी देर में वो, डोंट वरी। आपको डायग्राम समझ आ गई बेटा? देखो डायग्राम बनाने की टेक्निक मैंने बता दी है, सबसे पहले बॉक्स बनेगा ये वाला, अभी तो आप कॉपी में नकल मार के बना ही लोगे, है ना, एंड टुकड़ों में, बच्चे देखो तो ऐसे ड्राइंग शुरू करते हैं यहां से फिर ऐसे, ड्राइंग में एक्सपर्टीज होता है, फिजिक्स आती नहीं, तो प्लीज टेक्निक से बनाओ। सबसे पहले वुडन बॉक्स, लॉजिक से बनेगी ना चीज यार, सबसे पहले वुडन बॉक्स, ओके, उसके अंदर क्वाइल का मेन काम है, क्वाइल का असली काम है, अभी मैं वर्किंग सिखाऊंगा आपको, बहुत आसान है वर्किंग, क्वाइल का असली काम है। सर ऐसे क्वाइल हवा में तो उड़ेगी नहीं, क्वाइल को बांधने के लिए दो चीजें चाहिए, वो ये दो है, एक ये, दिस इज फॉस्फर और ब्रॉन्ज स्ट्रिप, सबका रोल बताऊंगा क्या है, डोंट वरी। सर इस क्वाइल को बांधे रखने के लिए, वही बैलेंस बनाने के लिए, टू कीप इट इन पोजिशन, सर ये फॉस्फर या ब्रॉन्ज स्ट्रिप होता है और नीचे स्प्रिंग होता है, बस। तो डायग्राम यहां से शुरू होती है, इस टर्मिनल से लेकर, टर्मिनल बनाएंगे डब्बे में, फिर ऐसे क्वाइल जाएगी यहां पे स्प्रिंग, बस। ये तो दो तो वायर्स लगाई हुई है, दिस इज अ वायर फालतू, दिस इज अ वायर फालतू, जस्ट टू मेक टर्मिनल्स हियर, ताकि आराम से करंट होकर निकल जाए, बस। बाकी दो मैग्नेट्स लगाई हैं, एक सॉफ्ट आयरन कोर लगाया है और एक मिरर लगाया है छोटा सा, यहां पे तीन चीजें छोटी छोटी लगाई हैं। इन्होंने मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करनी है, इसने उसको रेडियल बनाना है, और इस मिरर में हमें रीडिंग देनी है, बस। ओके, एक बार हिंट दिया, आइडिया दिया, अब वर्डिंग के साथ रिविजन करते हैं। देखो सर, व्हाट इज कंस्ट्रक्शन, इसमें क्या क्या लगा हुआ है, मेनली रेक्टेंगुलर क्वाइल पी क्यू आर एस, ये वाली क्वाइल पी क्यू आर एस, हैविंग मैनी टर्न्स, मैनी टर्न्स। सर मैनी टर्न्स होने से क्या फायदा होगा, एक टर्न से भी तो काम कर सकते थे, बस ऐसे 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 खत्म। सर एक ही टर्न बनाते, मैनी टर्न्स का फायदा, मैनी टर्न्स होने से डाइपोल मोमेंट बढ़ जाएगी, डाइपोल मोमेंट बढ़ गई तो टॉर्क बढ़ जाएगी, अच्छी रीडिंग आएगी। ओके सर, रेक्टेंगुलर क्वाइल पी क्यू आर एस हैविंग मैनी टर्न्स, बेटा ये वर्डिंग ऐसी नहीं लिखी, बहुत सोच समझ के लिखी है, एक एक शब्द, किताब नहीं छाप रहा हूं। मेरे पास एक पीपीटी भी पड़ी थी इसकी, उसमें कलरफुल फोटो है इसकी, कलरफुल, और इंग्लिश में बहुत कुछ लिख रखा है, और ही वर्डिंग किताब छाप देते होते हैं वो, आपको अच्छा भी लगता, पेपर में नहीं ना कर सकते, मैंने वो लिखा है जो एग्जाम में लिखा जाएगा, एंड जिसमें कॉन्सेप्ट है, इसके आगे पीछे की सारी इंग्लिश फालतू है, मैंने सारा क्रक्स निकाल कर कॉन्सेप्ट बनाया है, समझे, एक एक शब्द की वैल्यू है, समझना जरूरी है, एंड एग्जाम में एग्जैक्ट ये डायग्राम बनेगी, वहां पे बेटे रेड ब्लू येलो कलर तो लेके जा नहीं सकते,
तो बना नहीं पाओगे। ये बनेगी एग्जैक्ट, सारे कंपोनेंट्स क्लियर है इसमें। समझो रेक्टेंगुलर क्वायल, एक एक शब्द की वैल्यू है भाई, समझते जाना। इट इज हैविंग रेक्टेंगुलर क्वायल PQRS, ओके, हैविंग मैनी टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड वायर, ऑब्वियसली बेटे ताकि टर्न्स का करंट आपस में शेयर ना हो जाए कहीं। जैसे ये करंट जा रहा है, ये एक वायर है, एक वायर, फिर अगली वायर, तो ये दो वायर्स पास पास हो गई ना, तो इनमें इंसुलेशन होनी चाहिए, इंसुलेशन, करंट ना ना कहीं आपस में ना जुड़ जाए करंट, इसलिए कह देते हैं इंसुलेटेड वायर वाउंड ऑन नॉन कंडक्टिंग फ्रेम। एक फ्रेम होता है यहां पर, उसके ऊपर या किसी चीज पे तो लपेटोगे ना, उस पर लपेटने के लिए। ओके सर, मेनली ये हमारी कॉइल हो गई। इसके अलावा क्या है? फॉस्फर या ब्रॉन्ज स्ट्रिप, ये वाली। सर ये फॉस्फर या ब्रॉन्ज की क्यों यूज करते हैं? लोहे की लगा देते, स्टील की लगा देते वायर। कारण है, आएगा थोड़ी देर में। फॉस्फर या ब्रॉन्ज स्ट्रिप है एक, एंड स्प्रिंग एस डैश है, यस, टू कीप क्वाइल इन पोजीशन। इस क्वाइल को यहां पर पोजीशन में रखने के लिए ये और ये है। क्या बात है, क्लियर हो गया। ये भी मैग्नेट्स हैं, नॉर्थ साउथ जो दिखाए गए आपको, मैग्नेट्स टू प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, कॉमन सेंस। एंड सॉफ्ट आयरन कोर यहां पे रखा गया, एक सॉफ्ट आयरन कोर टू मेक मैग्नेटिक फील्ड रेडियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हर टॉपिक में कुछ होता है यार जो एग्जाम्स में आना है, सबसे ज्यादा ये आना है। सर व्हाई दिस कोर इज केप्ट हियर? टू मेक मैग्नेटिक फील्ड रेडियल। रेडियल का मतलब दैट इज फील्ड पैरेलल टू प्लेन ऑफ कॉइल, सो दैट मैक्सिमम टॉर्क एक्ट्स ऑन कॉइल। जैसे बेटा ये कॉइल है, कॉइल दिखा देता हूं, हमारे पास कॉइल्स पड़ी तो है, लास्ट लेक्चर में यूज की थी ये वाली, ठीक है, मैच करती है। हाँ जी, ये कॉइल है सर, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है, ओके। अगर मैं कोर नहीं रखूंगा, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल जाएगी, अपना ऐसे जा रही है। अगर कोर रख दूंगा, सॉफ्ट आयरन कोर रख दूंगा, सर ये सॉफ्ट आयरन कोर ना फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है, ये हम अगले चैप्टर में करेंगे मैग्नेटिज्म में, ओके। सर ये क्या करता है? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की क्या प्रॉपर्टी होती है? ये मैग्नेटिक फील्ड को अपनी तरफ खींच लेता है। जैसे यहां फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पड़ा हो, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जानी थी अदरवाइज, नॉर्मल ऐसे जानी थी, ये क्या करता है अपनी तरफ खींच लेता है। मैग्नेटिक फील्ड इसके थ्रू होके जाने लग जाती है, ये इसकी प्रॉपर्टी है, करेंगे यार अगले चैप्टर में। तो इसको रखने से क्या हुआ, ये मैग्नेटिक फील्ड को इस प्लेन के बीच में से पास करवाएगा ऐसे। मतलब अगर ये ऐसे हो गया, अगर ये क्वाइल ऐसे घूम गई, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे इसके प्लेन के पैरेलल होकर गुजरेगी। सर ये कैसे करता है इस काम को, मैं कह रहा हूं नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, इसका फेरोमैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी है। बस अभी के लिए इतना समझ लीजिए, इसका रोल क्या है, मैग्नेटिक फील्ड को इस कॉइल के पैरेलल करना, जिसे हम बोलते हैं रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। ये देखिए, सॉफ्ट आयरन कोर क्यों लगाया, टू मेक मैग्नेटिक फील्ड रेडियल। रेडियल का मतलब होता है डाइपोल मोमेंट के परपेंडिकुलर, या कह लो प्लेन के पैरेलल। फील्ड इज मेड पैरेलल टू प्लेन ऑफ कॉइल ताकि मैक्सिमम टॉर्क, याद है ऐसे मैक्सिमम टॉर्क लगती है जी, ओके। एक मिरर लगा देते हैं, क्यों लगाते हैं बताता हूं, एक बार वर्किंग सुनो।
एक लाइन की वर्किंग है सिर्फ। कितना आसान काम है यार। सर एक कॉइल पड़ी है, हमने जरा ध्यान से सुनना वर्किंग, लो जी कितनी सिंपल है ध्यान से देखियो। सर हमने इसको उस वायर में कनेक्ट कर दिया जिसमें करंट देखना है, जो इसका काम है, इसको वायर में कनेक्ट कर दिया तो वायर वाला करंट इसके अंदर से होके जाने लगा। यहां पे वायर है ऐसे एंड ऐसे, तो वायर वाला करंट इसके अंदर से होकर जाने लगा। तो जितना भी करंट आएगा, जितना भी करंट आएगा सर उतनी भी टॉर्क लगेगी। याद है टॉर्क एम बी, याद है टॉर्क एम बी, मैक्सिमम टॉर्क। सर वाई मैक्सिमम टॉर्क? बिकॉज ऑफ सॉफ्ट आयरन कोर। सॉफ्ट आयरन कोर का काम ही इतना सा है कि मैग्नेटिक फील्ड को इस प्लेन के पैरेलल कर देगा। ये अगर घूम भी गया तो भी मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल जारी होती है, ऐसे नहीं जाती, ऐसे जाती है। क्या बात है, मैग्नेटिक फील्ड सॉफ्ट आयरन कोर की वजह से इसके पैरेलल हो जाती है प्लेन के। ओके सर, जब करंट जाएगा वायर वाला करंट इसके अंदर से होकर गया, इट बिकम्स अ करंट कैरिंग कॉइल कैप्ट इन मैग्नेटिक फील्ड। सो टॉर्क एक्स ऑन इट, है ना, टॉर्क एक्स ऑन इट। कितनी टॉर्क? इतनी। एक मिनट, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है बेटे? मैग्नेटिक मोमेंट करंट इनटू एरिया किया हुआ है। अगर एक टर्न हो, If it is having one turn, तो current into area. If two turns, तो two times हो जाएगा. Three turns, three times हो जाएगा. N turns, N times हो जाएगा. ये लीजिए सर, टॉर्क लगेगी। मैग्नेटिक मोमेंट को लिखा है भाई, N नहीं है। वैसे इसको नपी बोलते होते हैं, नपी बोलते हैं इसको, N A B I, नपी टॉर्क लगती है जी। अदरवाइज आपको ये समझ आ गया कहां से बनाया है। ओके अच्छा, खत्म हो गया, खत्म सर। वर्किंग में कुछ कराया ही नहीं आपने, खत्म भी कर दिया। वर्डिंग लिखवाऊंगा इसके बाद, खत्म हो गया। समझो, दिस इज अ कॉइल, जो वायर का करंट है वो मैंने इसके अंदर से पास करवा दिया। ये देखो, वायर का करंट, जो बाहर से वायर थी उसका करंट मैंने इसके अंदर से पास करवा दिया। सो इट बिकम्स अ करंट कैरिंग कॉइल, इट बिकम्स अ करंट कैरिंग कॉइल। ये मैं मैग्नेटिक मोमेंट दिखा रहा हूं, इट बिकम्स अ करंट कैरिंग कॉइल कैप्ट इन मैग्नेटिक फील्ड। सो टॉर्क एक्स ऑन इट, कॉइल, कॉइल का प्लेन पैरेलल है, सो मैक्सिमम टॉर्क एक्स ऑन इट। सर इस पर टॉर्क लगी, कितनी टॉर्क? सर mb, साइन थीटा समझ के क्यों नहीं लगाया? mb साइन थीटा की जरूरत नहीं है क्योंकि मैक्सिमम है। मैक्सिमम क्यों है सर? सॉफ्ट आयरन कोर की वजह से। सॉफ्ट आयरन कोर ने क्या किया? मैग्नेटिक फील्ड को प्लेन के पैरेलल किया, मतलब मैक्सिमम टॉर्क वाला केस बना दिया, मतलब रेडियल। सर क्या ऐसे समझ नहीं आया यार, एक बात कह तो रहा हूं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, अगले चैप्टर में क्लियर होगा कि ये काम कैसे करता है। फिलहाल के लिए दिमाग में रखना पड़ेगा, आपको फेरो का मतलब नहीं पता फिलहाल, इसलिए। खैर सर मैक्सिमम टॉर्क लग गई, फिर क्या होगा? सर ये घूम जाएगा। जब ये घूम गया, जब ये कॉइल घूम गई, तो बेटा ये जो धागा है ना, ये वाला धागा, फॉस्फर या ब्रॉन्ज स्ट्रिप, ये धागा भी घूम गया। मतलब ऊपर से तो फिक्स है, चलो नीचे से जैसे हम एक रबड़ की रॉड को घुमा देते हैं ऐसे, फील करो गुब्बारे वाली रस्सी कह लो, वो पतली होती है, थोड़ी मोटी रबड़ लगा लो
एक रबड़ की रॉड है, ऊपर फिक्स है सर जी, ऊपर फिक्स है, नीचे से घुमा दिया, अगर छोड़ोगे तो क्या होगा, बैक टॉर्क आएगी ना, ऐसे घुमा दिया उसके अंदर बैक टॉर्क आएगी, जैसे यार स्प्रिंग को खींचते हैं एक्स, तो बैक फोर्स आती है के एक्स, ऐसे ही किसी चीज को घुमाने से बैक टॉर्क आती है। यस सर, तो इक्विलिब्रियम आ जाएगा एक टाइम पे, अभी करूंगा लिखूंगा वर्किंग, पहले समझ लो मतलब इक्विलिब्रियम का मतलब। ये देखिए, दिस इज करंट कैरिंग कॉइल, कैप्टन मैग्नेटिक फील्ड, टॉर्क लग गई, घूम गया, अगर घूम गया तो ये स्ट्रिप भी घूम गया, तो स्ट्रिप पर बैक टॉर्क आ गई है। यस सर, आप मोटा मोटा ये समझो, जितना ज्यादा करंट होएगा वायर में, जितना ज्यादा करंट होएगा वायर में उतनी ज्यादा टॉर्क आएगी। आप स्ट्रिप को छोड़ दो, मैं बाद में पढ़ाता हूं उसको, सर जितना ज्यादा करंट होएगा उतनी ज्यादा टॉर्क आएगी, उतना ज्यादा ये वाला धागा घूमेगा, समझ गए, ये धागा घूमता है, कॉइल घूमेगी तो ये धागा घूमेगा, तो ये जो मिरर है ना, मिरर ये घूमेगा। यस सर, हम यहां से रीडिंग ले लेते हैं सर, कितना तो घूमा है, हम उससे रीडिंग ले लेते हैं कि कितना करंट होगा, बिकॉज करंट इज डायरेक्टली लिंक्ड विद दिस रोटेशन, अंडरस्टूड है, जितना ज्यादा करंट उतनी ज्यादा टॉर्क, उतना ज्यादा मिरर घूमेगा, मिरर कितना तो घूमा हम वो देख लेते हैं और उससे जजमेंट हो जाती है भी अच्छा इंडा करंट होएगा। लिखूंगा, डोंट वरी, अभी तो समझाने की कोशिश चल रही है सर, ये मिरर रीडिंग देता है यूजिंग, ये देखो मिरर एम अटैच्ड टू टेक रीडिंग यूजिंग लैंप एंड स्केल अरेंजमेंट। ये बहुत पुराने जमाने का टेक्निक है, आजकल तो नीडल लगी होती है यार, तो नीडल से ही पता लग जाता है आंसर। लैंप एंड स्केल अरेंजमेंट वैसी नॉलेज के लिए बता रहा हूं, कहीं बोर्ड में लिखने की जरूरत नहीं है, इतना बहुत है, ये लिखा हुआ है सफिशिएंट। मैं जितना बोल रहा हूं मेरी कोशिश चल रही है हर एस्पेक्ट क्लियर हो जाए। सर लैंप एंड स्केल अरेंजमेंट कैसे यूज करते हैं, देख कुछ ऐसा अगर किया जाता था पुराने जमाने में, बहुत सही सेंसिटिविटी मिलती थी उससे, मतलब छोटा सा करंट भी मेजर हो जाता था, इसलिए लैंप एंड स्केल अरेंजमेंट यूज करते थे। सुनो कैसे करते थे, ये मिरर है, ये मिरर है, इस पर हम यहां लैंप से लाइट मारते थे, ओके लाइट मारी वो रिफ्लेक्ट होके यहां पहुंचेगी, ओके। लेकिन अगर मिरर घूम गया तो जब लाइट मारूंगा वो लाइट दूर पहुंचेगी, ऑब्वियसली पहले लाइट मारी यहां पहुंची, अब मैंने दोबारा लाइट, ये घूम गया करंट भेजा, टॉर्क लग गई, ये घूम गया मिरर घूम गया, जब मिरर घूम गया मैंने फिर लाइट मारी, लाइट यहां पहुंची, यहां से स्केल लेकर देख लेते थे कि कितना तो दूरी आ गई है, समझ आया, यहां से देख लेते थे, अच्छा इतना दूर हो गया तो उससे जजमेंट फॉर्मूला बन जाएगा यार वो, तो उससे जजमेंट हो जाता था, अच्छा इतना तो घूमा है, तो जितना ज्यादा घूमेगा उतना ज्यादा करंट होगा, ओके इसलिए बोलते हैं लैंप एंड स्केल अरेंजमेंट। खैर छोड़ो, मैंने तो वर्किंग पढ़ाई नहीं अभी, मैंने तो सिर्फ कंस्ट्रक्शन बताई है, वर्किंग तो बस लिखूंगा रिवाइज करवाऊंगा। देखो एक मिनट सर, एक मिनट में रिव्यू। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर छोटे मोटे करंट्स को डिटेक्ट एंड मेजर करने के काम आता है, कॉइल वाले पर बेस्ड है, नाम से पता लग गया यार, मूविंग कॉइल, कॉइल मूव करेगी, क्यों करेगी, इट्स अ करंट कैरिंग कॉइल, कैप्टन मैग्नेटिक फील्ड, टॉर्क,
सर इसमें एक कॉयल होती है जिसमें मैनी टर्न्स होते हैं, इंसुलेटिंग वायर होती है ताकि बीच में मिक्स ना हो जाए करंट। ओके एक फॉस्फर या ब्रॉन्ज की स्ट्रिप, सर क्यों फॉस्फर आएगा यार, रुक जाओ डोंट वरी, हर कंपटीशन का बोर्ड का क्वेश्चन कवर करूंगा जो आ सकता है इसमें से। सर फॉस्फर या ब्रॉन्ज स्ट्रिप, एक यहां पे स्ट्रिप होती है और यहां पे एक स्प्रिंग होता है एस डैश लिखा हुआ है, ये रहा ये और ये कॉइल को पोजिशन में रखने के लिए, मैग्नेट्स मैग्नेटिक फील्ड के लिए, ये कोर मैग्नेटिक फील्ड को रेडियल बनाने के लिए ताकि इस प्लेन के पैरेलल हो जाए ताकि मैक्सिमम टॉर्क आए। ओके जी रीडिंग के लिए मिरर, एंड कैसे आएगी रीडिंग, वेरी सिंपल, जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा घूमना, उतना ज्यादा मिरर का घूमना, उतना लाइट का घूम जाना, पता लग जाता है कि इतना का करंट है। हो गया, वीडियो रोको, ये सारा नोट करो, वर्किंग में लिखूंगा और दोबारा एक बार रिव्यू हो जाएगा, खत्म हो गया टॉपिक, नोट कीजिए एक बार, वीडियो पॉज करके नोट करो। हाँ जी बेटा वर्किंग वेरी सिंपल, देखिए समझा तो दिया, एक बार इसके साथ टैली करते हैं हम, करंट ऑफ, मैं बेटे बहुत सोच समझकर वर्डिंग लिख रहा हूं, आप आज से 6 महीने बाद जब दोबारा क्लास नोट्स पढ़ोगे उसी में सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, बुक्स में 2-2 पेजेस का 3-3 पेजेस का लिख रखा होता है, इंग्लिश भर रखा है, उसमें से फिजिक्स फिजिक्स निकाल ली हुई है मेरी, सारा कॉन्सेप्ट बता के हटाऊं, वर्डिंग के साथ टैली कर लो। देखो करंट ऑफ सर्किट, मेन सर्किट, करंट ऑफ सर्किट इज पास्ड थ्रू गैल्वेनोमीटर वाया टर्मिनल्स T1 T2, समझ गए ना, सर्किट का करंट इसमें से गुजरवा दिया। So, PQRS is current carrying coil kept in magnetic field. भाई वो करंट इसमें से गया, इट बिकम्स अ करंट कैरिंग कॉइल कैप्ट इन मैग्नेटिक फील्ड, सो टॉर्क एक्स ऑन इट, सो टॉर्क एक्स ऑन इट एंड इट रोटेट्स, टॉर्क लगेगी इस पर और ये घूम जाएगी, ठीक है, कितनी टॉर्क लगेगी सर, मैक्सिमम टॉर्क MB, साइन थीटा खा गए हम, साइन थीटा की होती है वो 1 है, तो मैक्सिमम टॉर्क MB लगेगी, M कितना है सर, वैसे तो करंट इनटू एरिया होता है लेकिन मेनी टर्न्स, लेट N टर्न्स, तो NIA कर दिया, पता है ये तो, एक लूप की मैग्नेटिक मोमेंट 5, अगर 2 टर्न्स होते तो 10, 3 होंगे 15, हर टर्न ने अपनी मैग्नेटिक मोमेंट दे दी ना, वो जुड़ गए सारे, चलो N टाइम्स, तो वैसे इसको शॉर्टकट नब्बी बोलते होते हैं, नब्बी टॉर्क। ओके सर इस पर टॉर्क लग गई तो ये घूम गया, आगे देखो टॉर्क एक्स ऑन इट एंड इट रोटेट्स, सो स्ट्रिप ए बी रोटेट्स बाय थीटा, मैंने इसका नाम रख दिया बेटे स्ट्रिप का ए बी, सो दिस स्ट्रिप ऑल्सो रोटेट्स, रबड़ की रोड सोचो, गुब्बारे वाली रस्सी सोचो, गुब्बारा इलास्टिक स्ट्रिंग होती है जो उसकी, वो सर वो ऐसे घुमा दिया, तो अगर उसको ऐसे घुमाओगे छोड़ोगे वापस ऐसे जाएगा, तो वो चीज है सर, जब ये घुमा तो रबड़ की रॉड को जैसे घुमाते हैं, इट टर्न्स बाय थीटा, तो इस पर बैक टॉर्क आ गई सी थीटा, सर स्ट्रिप ए बी रोटेट्स बाय थीटा, थीटा सर इस पर बैक टॉर्क आ गई है, हेंस रीस्टोरिंग टॉर्क एक्स ऑन स्ट्रिप, रीस्टोरिंग टॉर्क कितनी है सी थीटा, बेटा सी को बोलते हैं टॉर्शनल कांस्टेंट, +1 में ऑसिलेशन चैप्टर में करते थे, नॉर्मल जो कांस्टेंट है दैट इज स्प्रिंग कांस्टेंट, ये देखो ना यार एफ इजिकल टू के एक्स होता है जैसे, वैसे ही टाउ इजिकल टू सी थीटा होता है, किसी चीज को एक्स खींचोगे बैक फोर्स आ जाएगी kx, किसी को थीटा टर्न करोगे बैक टॉर्क आ जाएगी सी थीटा, एक ही बात होती है, ये स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, ये टॉर्शनल कांस्टेंट बोलते हैं, नाम है बस, ये भी मटेरियल की अपनी प्रॉपर्टी होती है सी, जैसे k स्प्रिंग का होता है। खैर छोड़ो काम की बात पे आओ,
सर इसने इस धागे पर टॉर्क लगा दी मान लो 50, 50 दिस इज 50, तो ये भी घूम गया 50 के हिसाब से, कुछ घूम गया मान लो थीटा, तो जब इस पर भी रीस्टोरिंग टॉर्क 50 आ जाएगी, रुक जाएगा वो, इस पर आया 50, ये भी घूम गया अकॉर्डिंग टू 50, बस यार स्प्रिंग खींचेगा तो 50 से कुछ खुलेगा फिर रुकेगा, why? Because बैक फोर्स भी 50 आ गई, ऐसी इसमें भी रीस्टोरिंग टॉर्क एट इक्विलिब्रियम क्या होएगा, रीस्टोरिंग टॉर्क इज इक्वल टू अप्लाइड टॉर्क, समझे सर, जितनी भी टॉर्क इस पर लगी है ये उतना को घूम गया और बैक टॉर्क आ गई, बैलेंस हो गई वो, यस सर, एट इक्विलिब्रियम रीस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, सो कितना को घूमा है ये थीटा, थीटा ये आ गया सर, ओके मोटा मोटा काम क्या हुआ, करंट भेजा, लूप घूम गया, कितनी टॉर्क नापी, उतना की ये घूम गया तो उस पर बैक टॉर्क आनी है सी थीटा, यस सर दे आर इक्वल, तो थीटा कितना आ गया बेटे इतना, सर थीटा ही तो रीडिंग है कि कितना को घूमा यार, पुराने जमाने में लैंप स्केल अरेंजमेंट था, अब सीधा ही वो है अपना पॉइंटर लगा होता है मतलब, अच्छा जी हा खत्म, साफ दिख रहा है कितना तो घूमेगा मिरर, व्हाट इज थीटा, रीडिंग, मिरर का घूमना, सर मिरर कितना तो घूमेगा, पॉइंटर समझो यार आप आज की डेट की बात करो, पॉइंटर कितना घूमेगा, थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, ऑब्वियसली बेटा जितना ज्यादा करंट आएगा उतनी ज्यादा टॉर्क लगेगी, उतना ज्यादा मिरर घूमेगा, सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सो लीनियर स्केल बेटा, बाकी सब कुछ तो कांस्टेंट है, ये देखो नंबर ऑफ टर्न फिक्स, एरिया ऑफ द लूप फिक्स, मैग्नेटिक फील्ड जो अंदर लगा दी फिक्स, सी इस स्ट्रिप का टोर्शनल कांस्टेंट फिक्स, बात करंट पे खड़ी है, जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा पॉइंटर घूम जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑल्सो फॉर बोर्ड्स कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, पहला थीटा करंट के साथ कैसे वेरी करता है, सर डायरेक्ट प्रोपोर्शन मतलब लीनियर स्केल, अगर आप करंट दुगना कर दोगे ना रीडिंग दुगनी हो जाएगी, लीनियर स्केल दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, ठीक है पहला, दूसरा काम की बातें बता रहा हूं अब, दो तीन है छोटी छोटी, पहली हो गई ये सर, ये रीडिंग है बेसिकली, ये रीडिंग है, रीडिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट आ गया, ओके दूसरा व्हाई फॉस्फर या ब्रॉन्ज स्ट्रिप इज यूज्ड, फॉस्फर और ब्रॉन्ज स्ट्रिप इज यूज्ड, यस बिकॉज, हाँ जी क्यों यूज करते हैं, बिकॉज इसका सी बहुत कम होता है, सी इज वेरी लेस सर, इसका सी बहुत कम होता है जी, ये वाला सी कम होने से क्या होगा बेटा, ये कम है तो थीटा ज्यादा आएगा, C is very less, so theta more, और theta ज्यादा आने का फायदा ज्यादा सेंसिटिविटी है, ये देखो ना सेंसिटिविटी क्या होती थी, छोटा सा करंट भेजने पर भी बहुत सारी रीडिंग आ गई, इतू सा करंट भी इसको दिखेगा, ये घूम जाएगा, बहुत सारा थीटा देगा ये,
सी कम होने का यह फायदा है कि छोटा सा करंट भी आएगा, मतलब सी कम होने से थीटा बढ़ जाता है यार, थीटा मोर मतलब मोर सेंसिटिव। मैंने आपको सेंसिटिविटी करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ाई थी, ये बच्चा बड़ा सेंसिटिव है, थोड़ा सा कुछ को ना रोने लग जाता है। ये गैल्वेनोमीटर बड़ा सेंसिटिव है, थोड़ा सा करंट भेजो ना ऐसे ऐसे करने लग जाता है, मतलब छोटा सा करंट भेजने पे बहुत ज्यादा थीटा दिखाता है, सेंसिटिविटी बढ़ गई सर, सेंसिटिविटी मोर, ज्यादा बढ़िया गैल्वेनोमीटर बनता है उससे। एक मिनट, डायग्राम तो हो गई है ना, अब मुझे डायग्राम की जरूरत नहीं है, मैं रब कर रहा हूं, आपने ऑलरेडी बनाई हुई है, यहां पे जो भी एक आधा एस्पेक्ट रह गया मैं कवर कर रहा हूं। सर एक छोटी सी चीज और एक लास्ट छोटी सी चीज रह गई है जो खत्म करते हैं, वर्किंग क्लियर हो गई, बड़ा मजा आया, टॉर्क लगी, धागा घूमा, धागे पे रिस्टोरिंग टॉर्क लगी, बैलेंस हो गए, इट विल गिव अस रीडिंग। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इट इज लीनियर स्केल, दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फॉस्फर ब्रॉन्ज टिप क्यों यूज कर रहे हैं, सी कम है थीटा ज्यादा आएगा, गुड गैल्वेनोमीटर, सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर। तीसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन व्हाई सॉफ्ट आयरन कोर इज यूज्ड टू मेक मैग्नेटिक फील्ड रेडियल, मतलब पैरेलल टू प्लेन, मतलब टॉर्क मैक्सिमम, तीन बातें हो गई। फोर्थ सर, सेंसिटिविटी कितनी है गैल्वेनोमीटर की, सेंसिटिविटी लिखते हैं बस, सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर किसको बोलते हैं बच्चे, ऑब्वियसली थीटा बाय आई, पता है ना, पढ़ाया हुआ है। सेंसिटिविटी ज्यादा होना मतलब छोटा सा करंट पर ही बहुत ज्यादा एंगल आना, जितना करंट कम होगा उतनी सेंसिटिविटी ज्यादा, जितना एंगल ज्यादा शो कर रहा है उतनी सेंसिटिविटी ज्यादा। सेंसिटिव होना मतलब छोटे से करंट पे ही इतना ज्यादा थीटा दिखा रहा है, तो थीटा बाय आई इज कॉल्ड सेंसिटिविटी। ये देखो अब थीटा बाय आई कितना आ गया, एन ए बी बाय सी, एन ए बी बाय सी, समझ गए यहां से। यार आप ना एक सर हमें याद क्या रखना है, नाभी याद रखना है, नाभी, नाभे वालों को तो आसानी हो गई, नाभा अपने पटियाला के बिल्कुल साथ सिटी है नाभा, तो नाभे वालों को तो आसानी हो गया यार, नाभी हमारे शहर का नाम आ गया, याद रखो यार नाभी, और नाभी किसके बराबर है, सी थीटा, हमारा प्लस वन वाला कॉन्सेप्ट सी थीटा उसके बराबर है, और कुछ ना याद रखो, बस नाभी इज इक्वल टू सी थीटा। तो यहां से पता लग गया थीटा आई के प्रोपोर्शनल है, सेंसिटिविटी कॉमन सेंस है यार, थीटा बाय आई पहले कराया हुआ है। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, टू इंक्रीज सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर व्हाट शुड बी डन, ऑप्शंस होंगी, यहां साफ दिख रहा है। सो टू इंक्रीज सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, एन को बढ़ा दीजिए, नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा से ज्यादा रखिए फायदा होगा, एरिया ज्यादा रखिए, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा रखिए, सी कम रखिए, सी तो कम रखते ही थे, मिक्स ना हो जाए इसलिए मार रहा हूं भाई, ये बढ़ाओ ये बढ़ाओ ये बढ़ाओ, सी घटाओ, सी तो स्पेशली घटाया था, चलो गुड, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं भाई। लास्ट वन, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट किसको बोलते हैं, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, वैसी एक टर्म है यार फालतू की, मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद है टर्म, असली टर्म यही है, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट किसको बोलते हैं, ये इसको ना, इसके उल्टे को यार, आई बाय थीटा को, आई बाय थीटा फालतू है,
मुझे नहीं पसंद। ओके बेसिकली बेटा आई बाय थीटा तो सी अपॉन एन ए बी उसको बोलते हैं, मतलब इसके उल्टे को यार। मैं तो ना करा के राजी नहीं है, कहीं नहीं काम आता, रहने दो यार, क्यों लजना है। सेंसिटिविटी के क्वेश्चन आने हैं कहीं इसमें मिक्स कर दो आप, कहीं नहीं जरूरत पड़ती कैल्विनोमेट्रिक कांस्टेंट की, लीव इट, सेंसिटिविटी बहुत है। ये सारे ऑब्जेक्टिव आने हैं भाई। ओके वो वैसी बेटे कैल्विनोमेट्रिक कांस्टेंट एक टर्म बना रखी है आई इज इक्वल टू के थीटा लिखने के चक्कर में, बस क्यों लिखना है, थीटा इज इक्वल टू के आई लिखो, बल्कि हमें तो हमारा इंटरेस्ट थीटा में है। ओके डन, एक मिनट चेक कर लूं कुछ और है, नहीं है सर कोई इसकी लिमिटेशन नहीं होती, कुछ नहीं होता, ऑल डन। लो आज आपको दो डिवाइसेस बहुत सही डिटेल में बता दी। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के क्वेश्चंस आपने ऑलरेडी कर लिए होंगे, मैंने बताया था पहले 3-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन इस पर बेस्ड होंगे इंस्ट्रूमेंट पर, बाकी तो करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला फंडा था। आज दो डिवाइसेस भाई मुझे तो बहुत मजा आया करा के, बहुत सही डिटेल में बताए गए हैं आपके लिए। ये घंटा सवा घंटे का लेक्चर होगा, मुझे ये लेक्चर की वर्डिंग सोचने में कि कैसे लिखूं क्या लिखूं मुझे तो 2.5 घंटे हो गए वर्डिंग डायग्राम। ये आज बड़े आर्टिस्टिक तरीके से काम किया मैंने, डायग्राम बनाने में जान लगाई, एक एक पॉइंट वर्डिंग कितने बार वर्डिंग रब करके नहीं आ रही लाइन आगे पीछे। आई हैव एंजॉयड टूडेज लेक्चर अलॉट, आई होप आपको भी मजा आया। दोनों इंस्ट्रूमेंट्स की सारी वर्डिंग सारा कॉन्सेप्ट कंप्लीट, चाहे बोर्ड चाहे कॉम्पिटिशन, सब कुछ कवर कर दिया गया है, कहीं और से आपको रीड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ क्लास नोट्स पढ़ो, इतना इतना तो लिख दिया यार, और ऐसा लिख दिया 4 महीने बाद दोबारा कॉपी पढ़ोगे आपको सारा रट जाएगा। ओके डन, हैप्पी बर्थडे टू यू। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, मैग्नेटिज्म, वेरी इजी बट वेरी वेरी प्रैक्टिकल एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर बट एक्सट्रीमली इजी। ओके मिलते हैं बेटा, इसको कर लीजिए कंप्लीट, ठीक है, थैंक यू।